हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी आरपीएफ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। रीजनिंग का 2 से 3, मैथ का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। तो देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्टरी को YLFWRUB लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फेलियर को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार आप वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो आपको बताए दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, विक्टरी को हमने इस कोड में लिखा है तो कैसे लिखा है, +3 करके, ठीक है। यानी कि V में अगर हम +3 कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, Y। I में +3 कर दें तो बन जाएगा L। फिर C में +3 कर दें तो F, और T में +3 कर दें तो W। O में +3 कर दें तो आपका R, और R में +3 कर दें तो आपका U, और Y में +3 कर दें तो B। तो इस तरीके से कुछ ये लिखा गया है, तो उसी तरीके से हम फेलियर को भी लिख लेंगे। तो फेलियर को अगर हम लिखेंगे तो F में अगर +3 कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, I, ठीक है। और A में +3 तो D, I में +3 तो L, फिर L में +3 करेंगे तो O, O में +3 तो U में +3 तो X, और R में +3 तो आपका U, और E में +3 तो H। तो इस तरीके से आपका ये कोड बन जाएगा IDLOXUH। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, IDL ये तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें N आ गया, फिर ID ये हो ही नहीं सकता, IDLOX तो यहाँ पे U आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा IDLOXUH। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आज की वीडियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूर्व की ओर मुख करके आप बाएं मुड़े तथा 20 मीटर चले, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, अब अपनी बाएं तरफ 50 मीटर तय करें, तो अब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया कि पूर्व की ओर मुख करके आप बाएं मुड़े, यानी कि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े थे, पूर्व इस डायरेक्शन में आप मुंह करके खड़े थे, फिर अपना बाएं मुड़े। तो अगर आपका मुंह इस डायरेक्शन में, तो आपका बाएं कौन सा हो जाएगा, आपका बाएं हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपने मूव किया और फिर 20 मीटर चले। तो थोड़ा यहाँ पे समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व की ओर अगर आप यहाँ पे खड़े और इधर को मुंह कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने बाएं मुड़ेंगे तो इसका मतलब आपका मुंह अभी तो इस डायरेक्शन में था और अभी इस डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है। तो अब उत्तर की ओर मुड़े चलेंगे आप कितना, 20 मीटर, ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक आप 20 मीटर चले। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चले, अब अपनी बाएं तरफ 50 मीटर तय करें। देखें यहाँ पे इन्होंने बोला, जब आप यहाँ से यहाँ तक चले तो 20 मीटर चले, फिर अपनी बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चले, और फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चले, ठीक है, और आप यहाँ पे फिर रुक जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्या बोला गया है ये देख लेते हैं क्वेश्चन में। 50 मीटर तय करें, तब आप प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हैं। तो जहाँ से आप चले थे उस किस दिशा में आप, देख लीजिए एक बार, यहाँ से आप चले थे, ठीक है, और अभी आप अगर देखें यहाँ पे इस तरीके से करके, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इस दिशा में आप खड़े हैं। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए यहाँ से दक्षिण और पश्चिम, यानी कि इसके बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आप खड़े हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित क्रम में कौन सी संख्या गलत है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है और इस तरीके से कुछ संख्या लिखी गई है, तो आपको इसमें से निकालना है कि कौन सी संख्या गलत लिखी गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या चल रहा है, शुरू की जो संख्या है 12, ठीक है, 12 से कितनी हो गई 23, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 11,
फिर यहाँ से 23 से 34 होगी, फिर 11 प्लस हुआ, फिर 34 से 45 होगी, फिर 11 प्लस हुआ, फिर 45 से 56 होगी, फिर 11 प्लस हुआ। यानी कि पहली संख्या में 11 प्लस चल रहा है, दूसरे वाली संख्या में 10 10 प्लस चल रहा है, 36 में 10 प्लस करेंगे 46, 46 में प्लस करेंगे 10 तो 56, और 56 में 10 प्लस करेंगे तो आपका 66, और 66 में अगर 10 प्लस करेंगे तो आपका 76 होना चाहिए था, जो कि 86 लिखा है। तो यानी कि लास्ट वाली संख्या ये गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 5686 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ए सी एफ जी ओ यू बी जे, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो पूछा गया कि दो क्या आएंगे। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप की सीरीज जो बढ़ती हुई चलती है उसमें कुछ प्लस ही चलता है। ठीक है, अब आपको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट ये करना है कि प्लस चल कितना रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्लस हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सीरीज बढ़ती हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए में अगर हम पहले नंबर पे आते हैं प्लस टू करेंगे तो थ्री हो जाएगा, थ्री पे आपका सी आता है। उसी तरीके से हम थ्री प्लस करेंगे, यानी कि एक एक नंबर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। प्लस टू किया, प्लस थ्री किया, प्लस फोर किया तो जे, प्लस फाइव किया तो ओ, प्लस सिक्स किया तो यू, प्लस सेवन किया तो बी, प्लस एट किया तो आपका जे, प्लस नाइन करेंगे तो एस आ जाएगा, और एस में प्लस टेन करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, घूम के फिर सी आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस और सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार और ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, फातिमा ने अपना जो फातिमा का पति है उससे परिचय कराते हुए कहा, मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई, जो उसके भाई है, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। यहाँ पे फातिमा को हमने लिखा, यहाँ पे फातिमा ने मुस्तफ़ा का अपने पति से परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, यानी कि ये पिता यहाँ पे आ चुका है, मुस्तफ़ा के भाई, भाई के पिता। ठीक है, यानी कि मुस्तफ़ा का भाई तो ये पिता इसके भी हो गए, मुस्तफ़ा के भी के पिता। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला गया है, परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र ये हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक क्लियर चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार ये भी देख लेते हैं, मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है। तो मुस्तफ़ा का क्या संबंध हो जाएगा, भाई देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मुस्तफ़ा के भाई के पिता ये हैं और ये इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो एक इसके एक दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके पिता हो गए भी। ठीक है, फातिमा के भी पिता हो गए और ये जो जिसको इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला गया था ये इसके भी पिता हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, ये ये पूछा गया कि फातिमा मुस्तफ़ा से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये फातिमा मुस्तफ़ा की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। ठीक है, घड़ी में उस समय 4:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, चलिए आपको यहाँ ही पे समझाता हूँ। ठीक है, ये एक घड़ी है जिसमें 4:25 बजे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दर्पण रखा और उसकी एक इमेज बन गई है। ठीक है, फिर एक और दर्पण यहीं पे रखा, ये इसलिए मैंने नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाता सही से, तो एक फिर एक और दर्पण यहाँ पे रख दिया, फिर ये, यानी कि पहले वाली घड़ी में इसका इमेज बनेगी, फिर इस वाली घड़ी की फिर दोबारा से इसमें बनेगी, दूसरे दर्पण में, दूसरी मिरर में। ठीक है, तो तब क्या टाइम होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए क्या आंसर आएगा। ठीक है,
तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से है, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई तो कर लिया होगा। सबसे पहले हमने एक घड़ी बनाई, उसमें 4:25 बज गए। मैंने आपको बताया जब भी यहाँ पे दर्पण रखा होगा, एक ट्रिक मैंने समझाई थी आपको, वैसे उसका एक पार्ट अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, वो मैंने अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि फिर आपके प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने बताया था आपको जब भी दर्पण यानी कि इमेज रखा होता है, सॉरी मिरर रखा होता है, मिरर में आपका किस तरीके से आप इमेजिन करेंगे, किस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। जो चीज़ें मान लीजिए ये यहाँ पे एक रखा है शीशा बीच में, जो सुई इस डायरेक्शन में है तो इसके नज़दीक, शीशे के नज़दीक कौन सी, अगर मैं शीशे को यहीं रख दूँ ताकि और अच्छे समझ में आए, ये वाली इस डायरेक्शन में, तो आपको अगर शीशा यहाँ पे रखना है ना, ये वाली जो है ये पूरी हट ही गया, ये वाली जो छोटे वाली सुई का जो इस डायरेक्शन में और बड़े वाले की भी इसी डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे रख के भी इसी डायरेक्शन में करनी है, शीशे की डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मुंह इधर को नहीं करना है, यानी कि दर्पण आपका इस साइड में रखा है, मिरर इस डायरेक्शन में रखा और आपने ये सुई इस डायरेक्शन में कर दी, दूसरी डायरेक्शन में होगी, मतलब कि डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में भी ये शीशे के पास ही रहेगी। ये ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात आपकी आती है कि टाइम का कैसे पता लगाए। अभी यहाँ पे आपको देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि सुई यहाँ पे बच जाते हैं 25, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाता है 30। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस डायरेक्शन में आपकी सुई है, तो फिर यहाँ पे आएगी तो कितना हो जाएगा, अब पूरी डायरेक्शन घूम जाएगी, तो यहाँ पे 4 था तो 5, 6, ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे आके आपका 7 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 5, 6, 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 बज के यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, भाई इतनी मिनट बढ़ा लेंगे तो ये आपका डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने देखिए, सबसे पहले तो मिरर इमेज ही आपको समझ में आनी चाहिए, कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं मिरर इमेज को ही उल्टा कर देते हैं, यानी कि जैसे इस डायरेक्शन में इसकी वो बनी है तो वो इसी डायरेक्शन में उसका मूव कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये सुई आ गई है और इसका जो ये गोल है, ये दर्पण के पास कौन सी चीज़ है, सुई है या ये फिर ये गोला है, ये गोला है, तो आपको ये गोला इधर भी दर्पण के पास लाना पड़ेगा, यानी कि अब की बार ये सुई इधर को मूव करेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे की है, ठीक है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो जो टाइम पहले था बिल्कुल वही टाइम अब की बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो अब की बार भी आपका ना 4:15 ही हो जाएगा, जबकि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है फिगर बनाने में थोड़ी वो हो गई, ये सुई थोड़ी यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये आपका 4:25 ही रहेगा, ठीक है। और आप अगर एक ट्रिक और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, जब भी दर्पण इमेज की बात की जाती है तो 12 घंटे में से माइनस कर दीजिए जितने बजे होते हैं, तो दूसरी जो उसकी दर्पण इमेज बनेगी, ठीक है, यानी कि इससे इस वाली की बनेगी, तो वो क्या बजेगी, जो भी उसको माइनस करके 12 में से जो भी माइनस करके बचेगा वो उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 7:35 आएगी, तो आपको ये समझ में नहीं आए बाई चांस कि कैसे भी 7:35 आया, तो आपको क्या करना है, 12 में से माइनस करना है 4:25 को, तो 7:35 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर दोबारा से इसकी इमेज बनेगी, तो आपका सीधा सीधा ये अब की बार 7:35 माइनस कर देंगे 12 में से, फिर दोबारा से फिर आपका 4:25 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4:25 होगा, इस इमेज पर मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़ी सुई इधर आनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से मैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा से करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों की सहायता से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। कुछ इस तरीके से आपकी ये संख्या लिखी है, यानी कि FED को आपने मल्टीप्लाई 3 किया तो 1629 लिखा है, BCD को आपने इंटू 4 से किया तो 492 लिखा है, तो BEF इंटू 1 करेंगे तो क्या आपका राइट आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो एक बार देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। FED को कैसे लिखा गया, पहले तो F आपका 6 नंबर पे आता है, E आपका 5वें पे आता है और D आपका 4 नंबर पे आता है, ये सीधा सीधा लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई जब हमने इसके साथ में 3 की तो यहाँ पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, जब 6, 5, 4 लिख दिया आपने तो इसमें डायरेक्ट 3 की मल्टीप्लाई नहीं की गई है, इसमें भी फिर -1 किया गया है, ठीक है, यानी कि 6 में से -1 करेंगे तो 5, 5 में से माइनस करेंगे 4 और 4 में से -1 करेंगे 3, तो अब इस 5, 4, 3 में मल्टीप्लाई जब 3 की करेंगे तो 169 इज द राइट आंसर, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से BCD में भी चल रहा होगा, ये 2, 3, 4 पे आता है, इंटू 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से माइनस करके 1, 2, 3 आ जाएगा, 1, 2, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 492 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका BEF की भी इसी तरीके से हम करने वाले हैं, तो ये BEF आपका आता है 2 और 5 और 6 पे, मल्टीप्लाई 1 से करने को बोला गया है तो 2, 5, 6
में मल्टीप्लाई वन की करेंगे माइनस वन करके, ठीक है, तो माइनस वन करेंगे 145 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वन तो 145 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो 145 इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम कहता है, ठीक है, वह मेरे पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी, यानी कि बलराम के पुत्र का एकमात्र भाई यानी कि उसका लड़का ही हो गया, ठीक है, भाई की पत्नी है, महिला बलराम के से किस प्रकार संबंध है, संबंधित है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने के सामने चार ऑप्शन है, साली है, पुत्री है और बहू है, पत्नी है। तो यहाँ पे साली पुत्री बहू तो नहीं होगी, वो सॉरी पत्नी तो नहीं होगी, बहू हो जाएगी, ठीक है, राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने आपको समझाया। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए बलराम ने कहा कि वह मेरे पुत्र के एकमात्र भाई की पत्नी है, यानी कि उसके लड़के की पत्नी है, तो ठीक है या ठीक है, तो उसकी पत्नी तो हो नहीं सकती, साली भी नहीं हो सकती, पुत्री भी नहीं हो सकती, तो बहू हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक खास कोड भाषा में ड्रिंक को कुछ इस तरीके से JMHQC लिखा जाता है और ब्लोट्स को RSNKS लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हनी को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, चार ऑप्शन भी है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। ड्रिंक को आपने यहाँ पे लिखा गया है JMHQC, देखिए ये मैं इतने बड़े बड़े आपको करके यही समझाता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, बाकी ये बहुत सिंपल था। डी में से अगर हम माइनस वन, बट हाँ यहाँ पे देखिए ये चल रहा है कि लास्ट जो फर्स्ट है वो लास्ट वाले से रिलेशन कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन है, माइनस वन चल रहा है, तो माइनस वन प्लस वन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। आई में से माइनस वन करेंगे एच आ जाएगा, एन में से माइनस वन करेंगे तो एम आ जाएगा, के में से माइनस वन करेंगे जे आ जाएगा, उसी तरीके से आपका ये भी हो जाएगा, बी में से माइनस वन करेंगे तो ए आ जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट वाला रिलेशन में है, और एल माइनस वन तो के हो जाएगा, ओ माइनस तो वन एन हो जाएगा, टी माइनस वन तो एस हो जाएगा, एस माइनस वन आर तो आर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आपका हनी का देखा जाए तो एच में से अगर माइनस वन हम करते हैं तो एक यानी कि एक वर्ड पीछे ले जाते हैं तो जी आ जाएगा, ओ में से माइनस वन कर देते हैं तो एन हो जाएगा, एन में से माइनस वन करेंगे तो एम हो जाएगा, और ई में से माइनस वन करेंगे तो डी हो जाएगा, और वाई में से माइनस वन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका एक्स डी एम एन जी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब कि माइनस वन चल रहा था, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी समझा सकता था, ठीक है, तो बस यही था थोड़ा सा समझाने की चीज़ें इसमें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, और एक बार इसको आप ट्राई करिए, और ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर सभी करेंगे। और प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोज़ बनाने का। और चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देते रहिए, देखिए अच्छा परफॉर्म करिए, और जिनका भी एग्जाम होता रहता है प्लीज़ क्वेश्चन भेजते रहा करें, ठीक है, क्वेश्चन भेज दिया करें। आपका फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज जो है, इंस्टाग्राम पे जो पेज है टॉपिक स्टडी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप डायरेक्ट फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करना चाहते हैं तो सौरभ मलिक सर्च करना पड़ेगा, SAURABHMALIK, ठीक है, जो मेरी DP है वो एक कार के साथ में है, ताकि आपको ईजिली फाइंड आउट कर सके। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, टेक केयर, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।